पापा को बहुत पसंद है, लेकिन पिंकी को पसंद नहीं है। कह रही है नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, और मुझे अब खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा। और आपके घर क्या बना है? मेरे घर में तो मटर पनीर बना है। और आपके बेटी पिंकू को क्या पसंद है? पिंकू तो हर चीज खा लेता है, उसे सब्जियां बड़ी पसंद है। ओ तो ठीक है, तो आप अपना सब्जी मुझे दे दीजिए, मैं अपना सब्जी आपको दे देती हूँ। ठीक है मैं अभी लाती हूँ। इतनी मेहनत से पनीर की सब्जी बनाई थी, अब एक कटोरी पिंकी की मम्मी को भी देना पड़ेगा। चलो लाती हूँ। चलो ला दी, अब तो मजा आएगा। ये लीजिए। ठीक है ये लीजिए, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, सुबह तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो अच्छे से बेवकूफ बना दी, अब मैं घर जाके खाऊंगी। अरे आ गई मेरे मोहल्ले की नारंग मनी। चल आज किस खबर सुना? आज पता है, आज ना शिमला की बेटी है ना, बड़ा कह रही थी कि उनकी पास होगी हो गई फेल। हाँ, और हम दोनों के बच्चे तो पास आ गए। और खबर पता है, जो हमारे में पार्टीशन है ना, सिर्फ पर्दा का है। हाँ। ओ वो तुम्हारी पड़ोसी और तुम्हारी? हाँ। अच्छा तब तो वो तुम्हारे घर की बातें सुन रही होगी। हाँ, और पता है जो बगल वाली थी ना। अरे तो तुम दोनों वो दीवार की पार्टीशन क्यों नहीं करवा लेते? तब मैं उसकी बातें कैसे सुनूंगी? ये भी बात है। अच्छा तुम्हें पता है वो जो अभी नई वाली आई है ना पड़ोसी? हाँ? हाँ? अरे वो तो बड़ी चिड़चिड़ी है ना। हाँ हर चीज वो चिड़चिड़ाती है। एक बार क्या हुआ, गलती से मेरा न्यूज़पेपर वाला उसके घर के दरवाजे पे न्यूज़पेपर रखाया। हाँ? तो वो बड़ा चिल्ला रही थी, तुम्हारे घर का न्यूज़पेपर हमारे यहाँ क्या कर रहा है? नहीं तो बड़ी चिड़चिड़िया है। हाँ। तो आपसे बात करना छोड़ देंगे। हाँ नहीं है, इसका मतलब क्या सोसाइटी में हम कम्प्लेन कर देंगे। हाँ? अच्छा वो सोसाइटी में इस बार वो जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें तुम क्या करोगी? अरे उसमें तो हम दोनों डांडिया खेलेंगे, डांडिया में तो हम। और अच्छा ये बताओ वो शिमला क्या करेगी? शिमला तो बैठ के देखेगी कि उसे तो कुछ आता होता है नहीं। और पता है आज मेरी बेटी पिंकी ना, आज ना डांडिया सीखेंगी मुझसे। अच्छा तुम्हें आता है? हाँ तो हम दोनों तो एक्सपर्ट हैं। और तुम भी अपने बेटे को करा देना, दोनों साथ साथ डांस करेंगे। हाँ। और हम भी। चलो अब मम्मी पापा थोड़ा बाहर गए हैं, अब मैं करूंगी सोलो डांस पार्टी। सोलो डांस पार्टी मैं कौन सा गाना बजाऊं? कौन सा? अच्छा वो न्यू गाना सॉन्ग चाहिए। कौन आया? बुकल वाली आंटी, आप तो वो मांगेंगे। कहाँ है बेटा स्पीकर? आंटी मुझे तो नहीं पता कहाँ। तो गाना बेटा यहाँ से आ रहा था आवाज। आया है बेटा? फिर से एक काम करती हूँ, वाली छुपा देती हूँ।
नमस्ते आंटी। स्पीकर कहाँ है? कहाँ है स्पीकर? आंटी मुझे नहीं पता, मैं आपको आवाज कहाँ से आ रही थी? और आंटी आप आंटी हाँ तो आंटी सबके घर में मोबाइल रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी जो होता है कि मैं ही सॉन्ग बजाऊं। आंटी आपको पता है वो जो वो शीला आंटी हैं, उनकी बेटी के यहाँ आज पार्टी है तो शायद उन्हीं के यहाँ से आवाज आ रहा होगा। नहीं। तो आंटी आपकी तो वही पड़ोसी हैं, मैं थोड़ी जो आपकी पड़ोसी हूँ, मैं तो आपकी दो नहीं तब तुम मेरी बच्ची तो हो। तो आंटी सही में, लेकिन मैं लेकिन नहीं, मेरे घर ना मेरे अपार्टमेंट में कुछ डांस वांस शोर मोर नहीं बजेगा। ठीक है आंटी, अब जाइए, बाय, नमस्ते। मूड चौपट कर दिया आंटी ने, पर तब भी क्या, एक काम करती। ओ मैं तो भूल ही गई, ओप्पो एक्नो का जो है मेरे पास या फोन ब्लूटूथ का, उसी पे सुन लेती हूँ, आराम से आवाज आएगा, पर मुझे ही सिर्फ दादी आपको क्या हुआ? आपको चोट तो नहीं लग गई? एक मिनट रुके, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। कितनी अच्छी बेटी है, कुछ बात में नहीं होती। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा, तो ये जो वीडियो है एक ऐसे रिश्ते पे बेस्ड है जो डोर टू डोर का है, और काका यहाँ की करना इसका सबसे बड़ा काम है। So yes guys, we are gonna make a video about types of neighbors. चलो हम लोग अब फ्री टाइम में मैं काम कर रही हूँ। मुझे एक आप कोई अच्छी चटपटी साड़ी दे दीजिए।